हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नीटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी सॉक्स ये देखिए एंकल लेंथ सॉक्स है ये इसको मैंने पूरा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टे में बनाया है तो इसकी फिटिंग भी बहुत बढ़िया आने वाली है एकदम पैर में कहीं से भी लूज नहीं रहेगा नीचे से हमने इस तरीके से बनाया है ये एंकल लेंथ सॉक्स अक्सर हमारी यहाँ से थोड़ी सी लूज़ हो जाती है इस जगह से लेकिन इस तरह के डिज़ाइन में आप बनाएंगे ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये खिंचाव होता है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनेंगे तो हम ये देखिए बहुत ही इसमें बस यहाँ पर हमें फंदे बढ़ाने हैं और बाकी पूरा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं उस तरह से हम बनाएंगे पाँच से छः नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है और फिफ्टी थ्री स्टिचेस से पू कम्प्लीट किए ये शुरू किया है मैंने यहाँ से तो अगर आपको इससे छोटा बना रहे हैं तो आप इसे दो फंदे कम कर दिए जैसे कि चार नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप फिफ्टी वन या फोटी नाइन स्टिचेज़ ले सकते हैं ऑड नंबर में फंदे मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि बीच में जो मैंने ये सीधे फंदे रखे हैं इसको मैंने तीन फंदे रखे हैं तो हमें ये ऑड नंबर में फंदे लेने हैं इवन नंबर में हैं तो आप ये दो फंदे ले सकते हैं तो मैंने इसके फिफ्टी थ्री स्टिचेज़ लिए हैं हर नंबर के लिए आप दो फंदे एक्स्ट्रा करते जाएंगे सात नंबर के लिए बनाएंगे फिफ्टी फाइव आठ नंबर के लिए बनाएंगे फिफ्टी सेवन नौ नंबर के लिए बनाएंगे फिफ्टी नाइन इस तरीके से आप यहाँ पर दो दो फंदे बढ़ाएंगे और एक बार या दो बार यहाँ फंदे जो हम बढ़ाते हैं वो आप एक्स्ट्रा करेंगे दो सिलाई या चार सिलाई आप इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको हर नंबर के लिए बना सकते हैं फंदे मैंने डाल के रखे हैं सिंपल तरीके से आप मैंने ये फंदे डाले हैं आप चाहें तो इसमें डिज़ाइनर फंदे भी डाल सकते हैं डबल धागे से डालने हैं और थोड़े से टाइट फंदे डालने हैं इसमें बहुत ज़्यादा ढीले नहीं डालने हैं गिनेंगे हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पचास फंदे हमारे ये हो गए और तीन फंदे ये हो गए तिरपन फंदे हैं अब ये है हमारे तो हम इनको बुनना शुरू करेंगे बॉर्डर हमें बुनना है जैसे कि हम नॉर्मली बॉर्डर बुनते हैं दस नंबर की सिलाई ली है मैंने ये और ये नॉर्मल वूल है डबल प्लाई की बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये पतली भी नहीं है तो हमें ये बुनना है एक फंदा उल्टा बुन लिया एक फंदा सीधा बुना फिर एक फंदा उल्टा बुना एक फंदा सीधा बुना इस तरीके से हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है तीन सलाई हम ऐसे ही बुनेंगे कोई भी फंदा घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं तीन या पाँच या चार जितनी भी आप बनाना चाहें मैंने इसमें तीन सिलाई बनाई है तो मैं यहाँ पर भी तीन सिलाई बनाऊंगी एक फंदा सीधा बुनना है एक फंदा उल्टा बुनना है ये सीधा बुन दिया धागा आगे लेंगे उल्टा बुनेंगे धागा पीछे लेंगे सीधा बुनेंगे इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट करेंगे निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये देखिए हम सिलाई के एंड पर आ गए इसी तरह से हम इसको बुन रहे हैं पूरी सिलाई एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एंड का फंदा हमारा ये उल्टा आ गया अब हम इधर आएंगे तो जो हमारा पहला फंदा होगा वो हमारा सीधा फंदा हो जाएगा और जो अगला फंदा वो उल्टा फंदा है ये हमें साफ दिखाई देगा आप देख सकते हैं ये हमारा सीधा दिख रहा है ये उल्टा दिख रहा है ये सीधा ये उल्टा तो इसी तरह से हमें जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बुनेंगे सीधा बुनना है धागा पीछे लेना है धागा आगे लेना है उल्टा बुनना है ये हो गई हमारी दूसरी सिलाई एक सिलाई अभी हमें और ऐसे ही बुननी है तीन सिलाई कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम ये फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे इसमें आप चाहें तो यहाँ जो बीच के फंदे हैं वो शुरू से ही ये तीन सीधे रख लें जैसे कि मैंने इसमें रखे हैं यहाँ मैंने पूरा ये सीधा उल्टा ही कर दिया है तो एक बार मैं दिखा देती हूँ बीच तक जाके पच्चीस फंदे हमें ये बुन लेने हैं दो, दो चार दो छः दो आठ दस बारह चौदह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस पच्चीस फंदे हो गए हमारे ये पच्चीस फंदे ही हमारे इधर रहेंगे और तीन फंदे जो बीच के होंगे इनको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से अब ये इधर फंदा इस इन तीन फंदों के इधर सीधा आ रहा है तो इसको भी हम सीधा ही बुनेंगे और उसके बाद हम ये बुन लेंगे उल्टे फंदा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा भी करेंगे तो ये लास्ट में जब यहाँ से डिज़ाइन शुरू करेंगे तब हम बीच के तीन फंदे सीधे कर लेंगे अभी एक सिलाई हमने और बुननी है और इधर से हम फंदे घटाना बढ़ाना शुरू करेंगे ये देखिए हमने ये अब तीन सिलाई कंप्लीट कर ली हैं अब 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 इस सिलाई से हम इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसको हमें पहले 25 फंदे हम बुन लेंगे बीच के तीन फंदे जो हमारे होंगे उसके दोनों साइड हमें फंदे बढ़ाना है तो हमने इसके 25 फंदे बुन लेने हैं बुनना हमने इसको सारा एक फंदा सीधा एक उल्टा ही है और जो फंदे हमारे बढ़ेंगे वो भी हमें एक उल्टा एक सीधा में ही बुनते जाना है तो देखिए ये हमने पच्चीस फंदे इधर बुन लिए पच्चीस इधर बुनेंगे आपने देखा बीच में हमारे ये पांच फंदे सीधे आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ इसको सीधे फंदे से शुरू किया था बॉर्डर अगर मैं ये यहाँ से बॉर्डर उल्टे फंदे से शुरू करती पहला फंदा उल्टा लेती तो ये हमारा आखिरी फंदा उल्टा हो जाता तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बीच में तीन फंदे सीधे आ रहे हैं या पांच फंदे लेकिन जब हमें बढ़ाने हैं तो हमें ये तीन फंदे ही रखने हैं इन तीन फंदों के एक फंदा इधर बढ़ाना है और एक इधर बढ़ाना है तो अभी हमने ये पच्चीस फंदे बुन लिए इस तरह से उंगली पर धागा लेंगे और इसको यहाँ से सिलाई में डाल देंगे ये बढ़ गया हमारा एक फंदा अब हमें तीन फंदे सीधे बुन लेने हैं एक दो तीन तीन फंदे सीधे बुन के उसके बाद फिर से एक फंदा यहाँ बढ़ाएंगे ऐसे लेना है सिलाई के ऊपर और यहाँ से इसके इस तरह से सिलाई में डाल देना है तो ये फंदा बढ़ जाएगा अब बाकी हमें सारे आगे फंदे ऐसे ही बुनने हैं एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा उल्टी सिलाई में भी हम यहाँ तक आते हैं पहले और फिर मैं यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ कैसे करना है देखिए हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं यहाँ पर अब हमने ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पच्चीस फंदे हमने ये बुन लिए हैं अब हमारे आ गए ये पीच के फंदे तो हमें ये तीन फंदे उल्टी साइड से उल्टे बुनने हैं और सीधी साइड से सीधे बुनने हैं बस ये तीन फंदे हमें पूरे टाइम इसी तरह से बुनने हैं कि उल्टी साइड से उल्टे बुनेंगे सीधी साइड से सीधे और जो ये बढ़ा हुआ फंदा है वो हमें बुनना है अगर हमारा यहाँ उल्टा है तो उसको हम सीधा बुन लेंगे अगर यहाँ हमारा सीधा फंदा होगा तो उस फंदे को बढ़े हुए फंदे को हम उल्टा बुनेंगे तो अभी हमारे यहाँ उल्टा फंदा आ रहा है तो हमें बढ़ा हुआ फंदा सीधा बुनना है उसके बाद ये तीन फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं और ये देखेंगे हम इधर हमारा ये सीधा फंदा है ये उल्टा फंदा है तो इसके बाद सीधा फंदा आएगा ये बढ़ा हुआ फंदा है तो इसको हम सीधा बुन देंगे अब बाकी के फंदे हम एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे अब ये वाली सिलाई जब यहाँ तक आएगी तो फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे ये देखिए अब हम इसकी फिर से सीधी सिलाई पर आ गए यहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं ये देखिए पहले हमारे यहाँ शुरू में यहाँ पांच फंदे सीधे हो गए थे जब ये एक बढ़ गया तो यहाँ एक फंदा उल्टा एक ही उल्टा इधर आ गया तो बीच में तीन सीधे हो गए तो ये उल्टा फंदा भी हमें ऐसे ही बुन लेना है अब यहाँ पच्चीस फंदे बुन रहे थे तो ये इस बार हमने छब्बीस फंदे बुने ये आ गए हमारे बीच के तीन फंदे इनके इधर और इधर हमें फंदा बढ़ाना है तो अगली बार जब हम बुन के लाएंगे तो ये पांच फंदे सीधे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ हर बार एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा आएगा अब की बार उल्टा है तो अगली बार ये सीधा हो जाएगा यहाँ एक फंदा बढ़ाना है एक दो तीन फंदे सीधे बुन देने हैं और फिर से एक फंदा बढ़ाना है और उसके अगला फंदा हमें ये उल्टा बुनना है ये तीन फंदे जो हमारे सीधे हैं ये सीधे ही चलेंगे उल्टी तरफ से हम इनको उल्टा बुनेंगे सीधी तरफ से सीधा बुनेंगे इन तीन फंदों के इधर उधर का फंदा चाहे वो उल्टा हो चाहे वो सीधा हो उससे हमारे डिज़ाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बस हमें ध्यान ये रखना है कि इन तीन फंदों के इधर और इधर हमें फंदा बढ़ाना है हर सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है तो इस तरह से हम इसको बुनते जाएंगे जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो हमें बीच के तीन फंदे उल्टे बुनने हैं बाकी सारे अगर उल्टा आ रहा है इधर का तो उल्टा बुनना है बॉर्डर के हिसाब से और सीधा आ रहा है तो सीधा बुनना है बस ये तीन फंदों पे हमें ध्यान रखना है कि ये जैसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगे इधर वाले बढ़े हुए फंदे ये सीधा फंदा आ रहा है ये उल्टा अब की बार हमारा यहाँ उल्टा फंदा आ जाएगा आप देख सकते हैं ये सीधा फंदा है जब हम उल्टी सिलाई पर आएंगे तो बढ़ा हुआ फंदा हम उल्टा बुनेंगे इसी तरह से हम ये बढ़ाते जाएंगे इसकी लंबाई हमें कंप्लीट करनी है सीधी सिलाई में बस हमें ध्यान यही रखना है तीन नौ पंदों के इधर और इधर फंदा बढ़ाते जाना है ये देखिए ये हमने कंप्लीट बुन लिया है इस तीन फंदों के इधर उधर फंदे बढ़ाते हुए आप देखेंगे इस तरह की लुक आएगी है जो हमारे बढ़े हुए फंदे हैं एक बार वो उल्टा बन जाएगा दूसरी बार सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा इस तरह से ये बॉर्डर के फंदे बनते चले जाएंगे यहाँ तक हमने इसको ऐसे ही बुन लेना है क्या अब हमारे ये पूरे नाइन्टी थ्री स्टिचेज हो चुके हैं बीस बार हमने ये रिपीट किया है यानी कि चालीस फंदे हमारे यहाँ हो गए फोर्टी स्टिचेज हमारे यहाँ बढ़ गए बीस इधर बीस इधर और फिफ्टी थ्री हमने ये बॉर्डर में शुरू किए थे जो हमने यहाँ डाले थे अब हमारे ये नाइन्टी थ्री हो चुके हैं स्टिचेस अब हमें इसमें ग्यारह फंदे बीच में अलग करने हैं इधर की साइडों के हमें नहीं बुनने हैं अब हम यह यहाँ ग्यारह फंदे बुनेंगे यहाँ हम एक मार्कर लगा लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच दस और एक ये ग्यारह ग्यारह फंदे बुनने हैं अब हमें और ये साइडों के फंदे नहीं बुनने हैं पहले हम ये धागा इधर ले आते हैं बुनते हुए इसी तरह से बॉर्डर बुनते हुए हमें ये धागा उधर लाना है ये हमें यहाँ तक बुनना है इस मार्कर तक ये देखिए यहाँ से हमें अब ये मार्कर तक हमने बुन लिया है इधर ले लेंगे अब ये ग्यारह फंदे बुनने हैं हमें इसको भी हम ऐसे ही बॉर्डर में बना लेंगे इसको हमें यहाँ से वापस कर देना है अब हमें ये बॉर्डर के फंदे नहीं बुनने हैं अब हमें इसको सादा बुनना है यानी कि उल्टी साइड दोनों साइड से हमें इसको उल्टा उल्टा बुनना है सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी यहाँ से बुनेंगे हम दस फंदे तीन तीन छ तीन नौ और एक दस दस फंदे बुन लिए ग्यारहवा फंदा हमारा ये है अब हम यहां से मार्कर लग हटा देंगे ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया था यहां से हम दो फंदों का एक फंदा कर देंगे अब इधर वापस आ जाएंगे दस फंदे बुनेंगे फंदे हमें सारे उल्टे उल्टे बुनने हैं दोनों साइड से यहाँ से भी हम मार्कर हटा देंगे और ये यहाँ से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे आप इसी तरीके से फंदे गिन के भी आप ये फंदे घटा सकते हैं मार्कर की ज़रूरत नहीं है ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाने के लिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक फंदे घटाने हैं तो वो मैंने ये दिखाया है अब ये ग्यारहवा ग्यारह फंदों में से दस फंदे बुनने हैं और ग्यारहवा जो फंदा होगा हमारा उसको अगले फंदे के साथ मिला के घटा देना है जब तक हमारे ये फंदे पाँच इधर पाँच इधर बचेंगे तब तक हमें यही रिपीट करना है उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि उसके बाद हमें क्या करना है ये देखिए ये दस फंदे बुन लिए ग्यारहवा फंदा इधर मिला के बुनेंगे हमें दोनों साइड से इसी तरह से बुनना है ये देखिए इसकी इस तरह से शेप आनी शुरू हो गई आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको ऐसे बुनना शुरू करा यही एक स्टेप आपको पूरे फंदे ख़त्म होने तक ये फॉलो करना है इस तरह से पहला फंदा बिना बुना ले लिया उसके बाद के ये तीन फंदे हो गए उसके समेत चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे हो गए ग्यारहवा फंदा अगले फंदे के साथ मिला के बुनना है यानी कि दो फंदे का एक फंदा करना है दोनों साइड हमें यही स्टेप फॉलो करना है यहाँ से बुनेंगे दस फंदे बुन लेंगे और जो ग्यारहवा फंदा है उस उसको हम अगले फंदे के साथ मिला के बुनेंगे ये देखिए ये हमारा ग्यारहवा फंदा है इसको अगले फंदे के साथ मिला के बुनेंगे यही एक स्टेप कर रिपीट करते हुए हमें बुनना है पांच फंदे हमारे इधर बचेंगे पांच फंदे हमारे इधर बचेंगे तब तक हम इसी तरह से बुनते जाएंगे ये देखिए अब हमने इसके दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए यहाँ देखेंगे आप ये पांच फंदे बचे हैं और इधर भी हमारे पांच फंदे बचे हैं ये हमें देखना है कि हमें कितने छोड़ने हैं ये फंदे ये डिसाइड करेंगे हमारे ये वाले फंदे ये फंदे हैं हमारे ग्यारह यानी अगर हम इसको एक हटा दें इवन नंबर में करें तो पाँच इधर पाँच इधर तो इसलिए पाँच इधर पाँच इधर हमने ये फंदे छोड़े हैं दस फंदे हो गए अगर हमारे ये नौ फंदे या आठ फंदे होते तो हम यहाँ चार चार फंदे छोड़ते उसके हिसाब से हमें ये फंदे छोड़ने हैं हमारे ग्यारह फंदे हैं तो यहाँ मैंने दोनों साइड पाँच पाँच फंदे छोड़ दिए हैं देखिए इसको हमें कैसे करना है ये बुने हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ अभी तक बुन रहे थे हम दस फंदे और एक फंदा इधर का और एक इधर का लेके हम इसको घटा रहे थे लेकिन अब हमें दो फंदे लेने हैं यहाँ से ये वाले दो फंदे लेने हैं और जो ये पांच फंदे हैं इसमें से एक फंदा लेना है और तीन फंदों का एक फंदा करना है अब इधर आ जाएंगे एक दो हो गए तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदे बुने ये दो फंदे बचे इनको एक फंदा इधर से लेते हुए ये घटा देंगे फिर इस तरफ आएंगे ये जितने भी फंदे हैं लास्ट के दो फंदे छोड़ के बाकी फंदे बुनेंगे और यहाँ से दो फंदों का एक फंदा कर देंगे ये तीन फंदों का ये दो इधर के लेने हैं एक इधर का लेना है तीन फंदों का एक फंदा कर दिया फिर इधर आ जाएंगे यहाँ से बुनेंगे दो फंदे छोड़ेंगे एंड में ये देखिए ये दो फंदे और एक फंदा ये वाला तीन फंदों का एक फंदा कर दिया ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक यहाँ के सारे फंदे ख़त्म ना हो जाएं बीच में जो सिलाई में फंदे हैं वो भी जो दोनों साइड के छूटे हुए हैं वो भी सारे फंदे खत्म हो जाने चाहिए ये यहां से तीन फंदों का एक फंदा कर दिया फिर यहाँ पर लाएंगे देखिए दो फंदे ये हैं एक ये है तीन फंदों का एक फंदा किया फिर इधर आ जाएंगे यहां से ये बुन लिए दो फंदे ये बचे इनको एक फंदा उधर से लेके तीन फंदों का एक फंदा कर दिया फिर इधर आ जाएंगे ये दो फंदे बुने दो फंदे ये हैं इसमें से एक फंदा इधर कर दिया फिर यहाँ से वापस करेंगे ये फंदा बिना बुना ले लिया हमने अब दो फंदे बचे इन दो फंदों का एक फंदा कर देंगे फिर इस तरफ आ जाएंगे और अब हमारे ये तीन फंदे बचते हैं इन तीनों फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से हमारे ये सारे फंदे खत्म हो गए ये देखिए इसकी इस तरह की शेप आएगी ये एड़ी पे अब हम इसकी कटिंग कर काट के धागा और इसकी सिलाई कर देंगे यहां से हमारा सीधा है इसको उल्टा कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी सिलाई कर देंगे ये देखिए इसको यहां से यहाँ तक हमने इसको सुई से सिल लिया है अब हम इसको सीधा कर देंगे यहाँ से यहाँ तक आप चाहें तो ये वाले मोती बिल्कुल ऑप्शनल हैं आप चाहें तो इसको लगा लें सुई से इस तरह के मोती लिए हैं मैंने ये एक तरफ से फ्लैट हैं एक तरफ से गोल हैं ये बिल्कुल ऑप्शनल है आप लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं आप इसको इसी तरह से यूज कर सकते हैं अब हम इसको नाप लेंगे इसका वेट देखेंगे कि हमारी ये कितने वजन में कंप्लीट हुई एक पीस ट्वेंटी थ्री ग्राम में हमारी ये यानी कि फोर्टी सिक्स ग्राम हमारी इसमें ऊन लगी है ये उनके हिसाब से आपकी थोड़ी सी इससे एक दो ग्राम कम भी हो सकती है इस एक दो ग्राम ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ऊन ये किसी की मोटी या पतली हो सकती है या बुनने का स्टाइल ढीला या टाइट हो सकता है तो ढीला बुनेंगे तो थोड़ा कम लग जाएगी ऊन और इससे टाइट बुनेंगे तो ये ज़्यादा लग जाएगी तो यहाँ ट्वेंटी थ्री में एक पीस हुआ है यानी कि ये फोटी सिक्स ग्राम हमारी इसमें कंप्लीट ऊन लगी है तो हम इसमें मोती लगा लेते हैं पहले सुई से ये देखिए इस तरह से इसकी फ़िटिंग देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई है ये मैंने मूर्ति लगा लिए हैं इसमें उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू